This conference will now be recorded. So, like guys, today we have start a session, and today's session we have just covered is like a Linux user and group. So, guys, हम बात कर रहे हैं user and group की. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पहले भी बताया था कि like Linux use different kinds of users and every user different kinds of user like तो लिनक्स क्या करता है, लिनक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स की बात करते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूजर्स के बारे में ही बता रहा हूं, जिसमें से तीन यूजर्स हमारे मेन है, जिसमें से सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड अ सुपर यूजर. सुपर यूजर, सुपर यूजर जिसको हम डिनोट करते हैं कि सुपर यूजर को यहाँ पे कॉल करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूट. तो सुपर यूजर इज कॉल्ड अ रूट यूजर, जिसको अदर वर्ड में हम बोले तो एडमिन यूजर भी कॉल करा जाता है, जिसको हम एडमिन यूजर से भी कॉल करते हैं. एंड दिस एडमिन रूट यूजर द स्लैश सुपर यूजर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये हमारा रूट यूजर है, जिसको हम बोलते हैं लाइक एडमिन यूजर, जो कि हमारा डिनोट होता है सिंबल ऑफ. तो जो भी आपका हैश आएगा वो हमारे किसको डिनोट करता है गाइस, किसको डिनोट करता है, हैश से डिनोट होता है. नाउ द होम डायरेक्टरी इज इज, तो इसकी जो होम डायरेक्टरी होती है गाइस वो होती है स्लैश रूट. यानी कि अगर आप कभी भी सुपर यूजर से काम करते हो तो सुपर यूजर यानी कि मैं बात कर रहा हूं रूट यूजर की, व्हेन यू वर्क विद रूट यूजर जो कि लॉगिन होने पे ऑलवेज सिंबल आपको हैश का देगा, और अगर आप कोई भी काम करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपकी स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर आएगा. तो दिस स्लैश रूट डायरेक्टरी is a home directory of root user. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि root user क्या है, तो root user is the admin user जो कि आपकी represent होता है किसके through, hash के through. और उस root user की home directory क्या है, the root home directory slash root. यानी कि अगर आपने इस particular root user से कोई भी task execute करा है तो वो आपको कहां पर रिप्रेजेंट होगी, रूट के अंदर. गाइस गॉटन माय पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? यस सर. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आई एम जस्ट लॉगिन विद पैनल एंड पावर ऑन द वर्चुअल मशीन. स्टार्ट वर्चुअल मशीन. And turn connect. अब गाइस कनेक्ट होने के बाद नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विथ रूट यूजर. तो अगर मैं कभी भी रूट यूजर से लॉगिन होता हूं तो यू कैन सी कि आई एम जस्ट टाइप ऑल्ट कंट्रोल एफ टू, आई एम जस्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट. तो मैं यूजर के सी एल आई पर आ चुका हूँ, तो मैं सी एल आई पे वर्क करना चाहता हूँ, या ये मैं यहाँ पे सी एल आई पे आ गया जो कि मेरा अंडर प्रोसेस है, अभी स्टार्ट हो रहा है. तो ऑल्ट कंट्रोल एफ वन जो कि मेरा रिप्रेजेंट करता है ग्राफिक को. तो वेट
चलिए गाइस, जब तक ये ऑन हो रहा है मैं आपको आगे बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शंस आता है, तो ये हो गया पहला सुपर यूजर। सेकेंडली अगर मैं आपको यहाँ पर बता के चलता हूँ, दूसरे नंबर पे आता है हमारा नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर हम बात करते हैं टर्म्स करते हैं नॉर्मल यूजर लुक लाइक यू एंड मी, लाइक राज, रवि, राम, व्हाटएवर, जो भी आप अपना नाम देना चाहते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, नॉर्मल यूजर होते हैं। नॉर्मल यूजर ऑलवेज डिनोट विद हैश, यानी कि जितने भी आपके नॉर्मल यूजर है, लाइक जो भी आप कोई भी यूजर आप क्रिएट करते हो, रूट के अलावा जो भी यूजर्स हैं, उन सभी को नॉर्मल यूजर कहा जाता है, जो कि ऑलवेज रिप्रेजेंट होते हैं डॉलर से। इट रिप्रेजेंट डॉलर से, यानी कि अगर आप कभी भी नॉर्मल यूजर से लोगे होंगे, तो आपके पास जो साइन आएगा वो आएगा डॉलर का। एंड नॉर्मल यूजर होम डायरेक्टरी, तो होम डायरेक्टरी का जो सिंबल है गाइस, दिस इज अ होम डायरेक्टरी सिंबल, यानी कि जो टिल साइन मैंने आपको दिया है, ये आपका होम डायरेक्टरी का सिंबल है। गॉट माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड अ होम डायरेक्टरी सिंबल। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये टिल साइन लगाया है, दिस इज कॉल्ड अ होम डायरेक्टरी सिंबल। तो द होम डायरेक्टरी जो होती है यूजर की, द होम डायरेक्टरी इज, तो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना कि होम डायरेक्टरी आपकी कहां पर होगी, स्लैश होम नाम से, यानी कि एक स्लैश जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर होम, और होम के अंदर जाके आप किसी भी नाम से यूजर बनाएंगे, तो उसी नाम से ही आपकी यहाँ पर डायरेक्टरी होगी, लाइक अ राज। अगर मैंने राज के नाम से बनाया है, तो राज के नाम से होम डायरेक्टरी होगी, लाइक अ होम स्लैश राज। अगर मैंने रवि के नाम से कोई यूजर बनाया है, तो स्लैश होम स्लैश रवि। और अगर मैंने यहाँ पे कोई राम के नाम से यूजर बनाया है, तो स्लैश होम स्लैश RAVI रवि। यानी कि मैं जितने भी यूजर्स को यहां पर एग्जीक्यूट करूंगा, उन सभी यूजर के नाम से मेरे पास क्या बनेगी, एक डायरेक्टरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? जो कि उस पर्टिकुलर यूजर की क्या होगी, होम डायरेक्टरी होगी। तो अगर किसी भी यूजर की, नॉर्मल यूजर की जो होम डायरेक्टरी है, वो आपकी ऑलवेज होम के अंदर होगी, जो कि डिनोट किससे होगा, डॉलर से। यानी कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, द लिनक्स कर्नल क्रिएट ऑटोमेटिक यूजर होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, द ऑल यूजर वर्क इंफॉर्मेशन सेव इन यूजर होम डायरेक्टरी। यानी कि अगर आप यूजर के थ्रू कुछ भी काम करते हैं, तो उन यूजर से रिलेटेड सारा का सारा काम आपका कहां पर सेव होगा, यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर आप को मैंने बताया था कि जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, व्हेन वी गो विद इंस्टॉलेशन, जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आप लोगों को रिमेम्बर हो कि हम लोगों ने जब इंस्टॉलेशन करी थी, तो हम लोगों ने वहां पे एक पेरेंट डायरेक्टरी बनाई थी, जिस डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, उस डायरेक्टरी को हम यहाँ पे कॉल करते हैं स्लैश, हम यहाँ पे कॉल करते हैं स्लैश। वेट गाइस,
तो गाइज अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि लाइक यहाँ पर हमारा आ रहा है स्लैश। तो जो ये स्लैश है इसको क्या बोला जाता है, ये प्राइमरी हमारी डायरेक्टरी है। अब इसी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर आपका क्या होता है कि ये आपकी स्लैश डायरेक्टरी है और इस पर्टिकुलर स्लैश के अंदर ही आपकी यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्टरीज क्रिएट होगी। और वो डायरेक्टरीज कौन सी होगी, अगर आप रूट के अंदर काम करना चाहते हैं तो हम ऑलवेज किसी भी डायरेक्टरी से पहले स्लैश लगाते हैं, वो उसकी लोकेशन है। यानी कि अगर यहाँ पे स्लैश रूट आ रहा है तो दैट मीन द स्लैश रूट रिप्रेजेंट कि ये रूट डायरेक्टरी के इंफॉर्मेशन से होगी, और ये स्लैश रूट डायरेक्टरी डायरेक्टरी इस स्लैश के अंदर ही मिलेगी। लेकिन आपके जो यूजर, अगर आपने कोई पर्टिकुलर नॉर्मल यूजर एग्जीक्यूट करा है तो द नॉर्मल यूजर की जो इंफॉर्मेशन है गाइस वो आपको रिप्रेजेंट होगी कहां पर, वो आपको रिप्रेजेंट होगी स्लैश के अंदर होम। तो एक होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और जो भी यूजर आप बनाएंगे इस होम के अंदर जाके आपके यूजर की इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जीक्यूट होगी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो ये चीज, नाउ हम गो टू द प्रैक्टिकली कि अगर मुझे कोई भी यूजर क्रिएट करना है, सो व्हेन यू क्रिएट अ यूजर, लाइक सिंपली अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ हाउ टू क्रिएट क्रिएट NORML नॉर्मल यूजर, तो हाउ टू क्रिएट नॉर्मल यूजर। सो गाइस अगर आपको नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पर हैश लगाया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मैंने ये हैश लगाया है ये मेरा क्या हो गया, एडमिन यूजर से लॉगिन हूँ एंड USER यूजर एड, और यूजर एड करने के बाद मैंने एक यूजर बनाया है राज, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक USER यूजर एड, लाइक मैंने यहाँ पे बनाया राम, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक का यूजर एड लाइक का रवि। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये तीन यूजर्स बनाए हैं, यूजर एड राम, यूजर एड रवि। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो जब आपने ये तीन यूजर बनाए हैं तो तीनों यूजर्स की होम डायरेक्टरी आपके होम फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट होगी। और हाउ टू सेट यूजर पासवर्ड, अगर आपका हाउ टू सेट एंड रीसेट यूजर पासवर्ड, अगर आपको किसी भी यूजर का पासवर्ड सेट करना है या आप रीसेट करना चाहते हैं तो अगेन गाइज यू आर कमिंग इन अ होम यानी कि हैश, एंड आपके पास कमांड है PASS पास WD पास WD देन गिव द यूजर नेम। तो ये आपकी कमांड है कि अगर आपको किसी भी यूजर का पासवर्ड सेट करना है सो यू कैन जस्ट टाइप द कमांड PASS पास WD एंड गिव द यूजर नेम राम, देन PASS पास WD स्पेस राम। तो गाइस अगर आपको पासवर्ड सेट करना है सो आपको ये कमांड चलानी है, या रीसेट करना है ये कमांड चलानी है, और अगर यूजर क्रिएट करना है सो आपको ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द पैनल, एंड पैनल पे आने के बाद नाउ गाइस I'm just login with root user. RETRED HET. And guys, now कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जितनी भी हमारी पेरेंट डायरेक्टरी होती है वो सारी की सारी किसके अंदर है, इस पर्टिकुलर स्लैश के अंदर है। हमारी सारी की सारी डायरेक्टरी कौन सी है, यानी कि इसी स्लैश के अंदर स्लैश रूट मिलेगी और रूट के अंदर होम मिलेगा और होम के अंदर राज डायरेक्टरीज मिलेगी। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू हियर एंड ओपन टर्मिनल, राइट क्लिक एंड ओपन टर्मिनल, या आप ऑल कंट्रोल F2 दबा देता हूं। सो यहां पे देखिए, और यहां पर मैं क्या करता हूं, लाइक का ROOT रूट, एंड रूट का पासवर्ड इज RETRED HET। तो गाइस यहां पे देखिए ये हैश में आ रहा है क्योंकि मैं रूट यूजर से हूं। अब CD पे देखिए, रूट यूजर से पहले यहां पर जो है ये टिल साइन लिखा रहा है, तो यही कमांड्स में ग्राफिक भी आपको चला के दिखा रहा हूँ, मतलब टर्मिनल पे ही चला रहा हूँ लेकिन ग्राफिक टर्मिनल पे। सो
यहाँ पे भी राइट क्लिक करता हूँ और ओपन टर्मिनल। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक कलर की स्क्रीन पे चलाओ या आप कहीं भी चलाओ, आपको विजिबल होंगी चीजें। तो फॉन्ट इंक्रीज करने की क्या कमांड है भाई, कंट्रोल से प्लस प्लस। नाउ गाइस कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक टेल साइन आ रहा है, यानी कि टेल साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होम डायरेक्टरी को, और किसकी होम डायरेक्टरी को, रूट। यानी कि अगर आप कोई भी यहाँ पर काम करते हैं लाइक एम के, लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ टी ओ यू एस सी एच टच एन ओ आई डी ए नोएडा एफ आई एल ई फाइल, तो अगर ये फाइल मैंने बनाई है, अब मुझे ये फाइल देखनी है तो कहाँ जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी टाइप का काम रूट यूजर से करते हैं तो वो वर्क ही रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में जाएगा, और रूट की जो होम डायरेक्टरी है वो स्लैश रूट के नाम से है। तो नाउ गाइस सिंपली आई एम जस्ट कम टू टी डी स्लैश, पहले तो मैं पेरेंट डायरेक्टरी स्लैश में गया, और स्लैश में जाने के बाद यू कैन टाइप द एल एस कमांड, और एल एस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये रूट डायरेक्टरी भी है, और यू कैन टाइप सी डी स्लैश रूट। और जब आपने सी डी स्लैश रूट करा और नाउ यू कैन चेक द एल एस, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको नोएडा फाइल मिल गई। डायरेक्ट सी डी भी लिख दोगे तो भी ले लेगा, स्लैश भी लिख दोगे तो भी ले लेगा, ठीक है ना, वो उसकी होम डायरेक्टरी में पहुंच गया ना। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, नोएडा फाइल आ गया। यानी कि मैं अगर यहाँ से ई एक्स आई टी एग्जिट होता हूँ, एंड अगेन मैं आपको दोबारा से प्रोसेस बताता हूँ, ओपन टर्मिनल करा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एलएस करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है नोएडा फाइल, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी होम डायरेक्टरी में हूँ, या सी डी स्लैश के अंदर गया और स्लैश में जाने के बाद मैं फिर सी डी रूट के अंदर गया, एंड रूट पे जाने के बाद मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पे आएगी। तो दोनों वही है, क्योंकि जब मैं रूट डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी में जाऊंगा तो वो होम डायरेक्टरी का ही पाथ यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी का सिंबल है। लाइक कि सेम एज कि अगर यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया था कि सी डी सी एल ई आर क्लियर, कि अगर मैं यहाँ पर सी डी स्लैश करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एल एस करने पे अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर एक होम डायरेक्टरी भी है, और इन अ होम डायरेक्टरी द ऑल यूजर होम डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, यानी कि ये जो होम फोल्डर है इसके अंदर आपके सारे यूजर्स की डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी। वो कब, जब भी आप यूजर बनाएंगे, लाइक अभी मैं जाता हूँ सी डी होम और एल एस करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक गौतम नाम की डायरेक्टरी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली USER user add amit amit, sorry user add ram, USER user add ravi and USER user add raj। तो गाइज मैंने यहां पर तीन डायरेक्टरी बनाई, यानी कि तीन यूजर बनाए, और अब आप देखिए यहीं पर ही अगर मैं एलएस करता हूं तो यहां पर तीन ऑटोमेटिकली डायरेक्टरीज क्रिएट आ गई। तो ये क्या है, ये आपकी इन पर्टिकुलर यूजर्स की क्या है, डायरेक्टरीज हैं। और अब आप अगर इन यूजर्स के पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, सो नाउ द कमांड इज पी ए डॉट पास डब्ल्यू डी लाइक का राम, इंटर आस्क द पासवर्ड ए एच डी एट 1234 एंड ए एच डी एट द रेट 1234। लाइक अगर आप यहाँ पे दूसरा यूजर का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो राम की जगह कैन टाइप द राज ASD at the rate 1234 and ASD at the rate 1234 and same as एक और आपके पास है like a Ravi then ASD at the rate 1234 and ASD at the rate 1234. So guys now कि we have execute three users, create a three users, तीनों normal users हैं। अब अगर आपको किसी भी normal user पे login करना है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना guys, मैं आपको बताता हूं लॉगिन विद यूजर, लॉगिन विद यूजर। एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर हैश पे हो, यानी कि करंटली आप किस यूजर से लॉगिन हो, हैश इसको प्रेजेंट कर रहा है रूट को, यानी कि लॉगिन विद रूट यूजर, हैश इज डिनोट कर रहा है कि आप किस यूजर से हो लॉगिन कर रहे हो। और अब आपको दूसरे किसी यूजर से लॉगिन होना है तो आप कमांड लिखना, और जब आप यूजर से लॉगिन हो, यानी कि इफ यू आर लॉगिन विद रूट यूजर और इसी हैश पर आप कमांड चलाते हो पीडब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो वो आपको आउटपुट देगा स्लैश रूट, यानी कि वो आपको बताएगा कि अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा।
लेकिन अब आप क्या चाहते हो, आप किसी दूसरे यूजर से लॉगिन होना चाहते हो, तो यू कैन टाइप कमांड su, सुपर यूजर ने स्विच यूजर, सुडो होता है सुपर यूजर, तो su मैंने कमांड चलाई और su के बाद आपने यहां पे दे दिया यूजर का नाम। जब आप यूजर का नाम दे देंगे तो यहां पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा, और डॉलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल यूजर को। और अब जब आप नॉर्मल यूजर पे आके यहां पर कमांड चलाओगे pwd, यानी कि आपने क्या करा, su राज का मतलब है लॉगिन विद normal नॉर्मल यूजर rwt नॉर्मल यूजर राज, आप राज यूजर से लॉगिन हुआ। बट यहां पर दो कंडीशंस हैं गाइस, कि कभी भी आप एडमिन यूजर से नॉर्मल यूजर पे जाएंगे तो वो कभी भी आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। गॉट इट गाइस, व्हेन यू स्विच एडमिन टू नॉर्मल यूजर इट्स डोंट आस्क द पासवर्ड, बट इफ यू गो नॉर्मल यूजर टू नॉर्मल यूजर इट्स रिमेन ऑलवेज पासवर्ड, ये आपसे हमेशा पासवर्ड पूछेगा, हर बार आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल यूजर टू नॉर्मल यूजर स्विच करते हैं। यानी कि मैं अभी क्या है, लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, अभी बता रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल यूजर विद राज, यानी कि मैं अभी किस यूजर से लॉगिन हो गया हूँ, राज से, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका राज, फॉर एग्जाम्पल मैं राज यूजर से लॉगिन हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ su रवि, यानी कि मैं अब क्या है, राज से रवि पर जा रहा हूं। Got it. So, अब जब मैं राज से रवि पे जाऊंगा तो ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, कि आप रवि का पासवर्ड बताइए। जब आप पासवर्ड इंटर कर देंगे देन आपके पास रवि डॉलर आएगा। एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं, अभय, हिमांश, मिताली, प्रियम, शुभम, यस सर, यस सर, व्हेन यू गो एडमिन यूजर टू नॉर्मल यूजर इज डोंट आस्क द पासवर्ड, but if you go normal user to normal user it's required password simply। कि यहाँ पर देखिए कि मैंने तीन यूजर बनाए थे clear clear, अब मैं यहाँ पे pwd present working directory करता हूँ /home आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cd कर देता हूँ, root user पर हूँ, pwd present working directory /root directory के अंदर हूँ क्योंकि मैं root user से login हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, su राज, तो आप देखिए जैसे ही मैंने राज करा इसने कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे su रवि करता हूं तो इट्स आस्क द पासवर्ड, क्लियर। तो देखिए रवि पर मैं आया हूं तो ये आपको पासवर्ड, बट अब एक चीज कंडीशन देना, यहां पर मैं यहाँ पे दोबारा से एग्जिट हो रहा हूं, एक स्टेप बैक, मैं दोबारा से कहां पर हूं, राज यूजर पर हूं। लेकिन एक चीज और यहां पर आपके पास ध्यान देने वाली बात है गाइस, कि आप जब भी पीडब्ल्यू करके यूजर और जब su करा आपने, su राज करा, तो आपने क्या करा, लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, और जब आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गए यानी कि राज डॉलर साइन आ गया, और जब आप डॉलर साइन यहां पे आ जाएगा और आप अगेन pwd करोगे तो भी ये आपको /root ही विजिबल करेगा। यानी कि आप कोई भी काम करोगे राज से भी तो भी आपका डेटा कहां पर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, यानी कि आपका जो डेटा है वो कहां पर जाएगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मूव होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या, आप देखिए मैं अभी यहां पर राज यूजर से हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर pwd करता हूं तो मेरे पास यहां पर डायरेक्टरी कौन सी शो हो रही है, रूट ही हो रही है। यानी कि आप कभी भी जब ये नॉर्मल कमांड का यूज करते हो su-raj, तो आपका यूजर तो क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है, बट उसकी डायरेक्टरी स्विच नहीं होती है। तो बेटर है गाइस कि आप कभी भी किसी भी यूजर को स्विच करते हो और आप चाहते हो कि उसी के साथ उसकी होम डायरेक्टरी भी क्या कर जाए, स्विच कर जाए, तो गाइस आपको जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो कमांड क्या एग्जीक्यूट करनी है गाइस, आपको एग्जीक्यूट करनी है su-raj।
जब एसयू हाइफन राज करेंगे तो अब क्या होगा, हाइफन लगाने से आपका क्या होगा, यहां पर आपको स्लैश होम और स्लैश राज, यानी कि हाइफन लगाने से लॉगिन विद नॉर्मल यूजर राज विद यूजर राज होम डायरेक्टरी। तो अगर आप हाइफन नहीं लगाते हैं, DIRECTORY, अगर आप हाइफन नहीं लगाते हैं तो आपकी क्या होगी, डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप हाइफन लगा के यूजर को लॉगिन करते हैं तो आपका यूजर भी चेंज हो जाएगा और उसकी डायरेक्टरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अब अगर आप इस कंडीशन में जाके कोई भी काम राज के थ्रू करते हो, लाइक आपके पास यहाँ पे आ गया लुक लाइक अ राज डॉलर, और अब अगर यहाँ पे कोई भी काम करते हो लाइक अ TOUCH टच लाइक अ DELHI दिल्ली फाइल, तो ये जो वर्क है गाइस, ये आपका काम कहां पर होगा, ये आपके राज यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट होगा। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी रूट ही हो रही है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द एग्जिट, मैं दोबारा से रूट पर आ गया और अब मैं लिखता हूँ SU हाइफन राज तो और PWD करता हूँ। तो अब देखिए स्लैश होम स्लैश राज, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक TOUCH DELHI दिल्ली FILE फाइल। तो अब मैंने यहाँ पे एक दिल्ली फाइल बनाई टच वाली, और आप देखना चाहते हैं तो CD/ और CD/ के बाद लाइक LS, तो यहाँ पे होम आ रहा है, CD होम के अंदर गया एंड देन LS करता हूं। सो आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो होम आ रहा है ये आपका डायरेक्ट मैं होम के अंदर कर रहा हूं, बट मेरे इस होम के अंदर देखिए राज की होम डायरेक्टरी भी है। सो CD राज के अंदर गया, एक मिनट, RAJ, और राज के अंदर जाके मैंने LS करा, सो ये देखिए दिल्ली फाइल आ गई, क्योंकि मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, होम के अंदर राज है, राज के अंदर मेरा डेटा होगा। तो या तो मैं यहां से क्या करता, सीधा मैं सीधा यहां से ऐसे भी जा सकता था कि लाइक CD/home/raj एंड देन LS। भाई स्लैश लगेगा ना, जाने के लिए तो लगेगा जब हम प्रॉपर उसका वो देंगे, आपकी मर्जी है ना, आप डायरेक्ट तो लगा दो, नहीं है तो लगा दो, वो अपने आप ले लेगा। स्लैश लगाने की बात कर रहे हो ना, मैं किसी अदर लोकेशन पर हूँ ना, वो तो आप रूट में ही। भाई रूट पे कहूँ, आगे क्या लिखा आ रहा है, नहीं, 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 मेरा मतलब राज पे ही हो आप, हाँ, राज यूजर पे हो, राज यूजर करने के लिए आपने चेंज डायरेक्टरी करी, डायरेक्टरी आपने चेंज कर दी, आप उसी के अंदर आ जाओगे। भाई मैं आप ये कह रहे हो, मैंने यहाँ से आपने कहा मैं CD स्लैश करा और CD होम भी कर सकता हूँ, ये भी आप कह रहे हो ना, बट मैं स्लैश लगा के चलूंगा, मैं तो रूट देके चल रहा हूँ, मैं तो पूरा पाथ लेके चलूंगा ना, एक्यूरेट। अगर आप उस लोकेशन पे नहीं हुए तो आपकी डायरेक्टरी होगी इनकम्प्लीट कमांड बोल देगी। अगर आपको एक्यूरेट पाथ पता है तो बेटर है कि आप अपना एक्यूरेट पाथ लगा के चलो ना, तो एरर ही नहीं आएगा। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी अदर लोकेशन पे हो, वहां पे होम डायरेक्टरी नहीं है उसके अंदर, तो वो अपने आप सर्च कर लेगा कि मुझे स्लैश के अंदर वाली होम पे जाना है, इसलिए मैं एक्यूरेट पाथ लेके चल रहा हूँ। आपको एक्यूरेट पाथ पे नहीं जाना आप मत लगाइए, बट मैं तो सिंपल सा है ना कि मुझे राज की होम डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैंने सीधा बोला भाई CD स्लैश होम और होम के अंदर स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होम है और होम के अंदर राज है, बस वो डायरेक्ट मुझे वहां पे पहुंचा देगा। बस मैं एक्यूरेट पाथ का यूज कर रहा हूँ ना। अब मुझे राज के अंदर भी काम करना है तो मुझे यहीं पर ही कोई फाइल के अंदर काम करना है तो मैं डायरेक्ट राज करूंगा, बट अगर मुझे पूरा पाथ पता है तो मैं पूरा पाथ लिख दूंगा, बिल्कुल। बट बेटर यही है कि गाइस आप पूरा पाथ का यूज करो, सीधी सी बात है, लिनक्स में काम करना है तो पूरा पाथ का यूटिलाइज करो, बाकी अब जब आप काम करोगे तो अब उसी लोकेशन पे हो तो स्लैश लगाओ मत लगाओ वो आपकी मर्जी है, आप लगा भी दिया, यानी कि स्लैश आपका रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। एवरीवन इज इट क्लियर? तो हाउ टू लॉग इन यूजर एंड हाउ टू स्विच डायरेक्ट, इज इट क्लियर एवरीवन? ये दो चीज,
जो यस सर, हमारे मेरा एक पास क्वेश्चन था। हाँ यस सर। बताइए शुभम। सर मान लो जैसे कि मेरे को जैसे आपकी मशीन ये एक्सेस करनी है, जैसे आपने सर्वर बनाया हुआ आईसीसी सर्वर के नाम से, तो वो कैसे करते हैं? जैसे कि मेरे को एक टास्क मिला तो मेरे को दिक्कत हो रही है उसमें। वो शुभम बाद में, अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो। लिनक्स आपको का ये अनसीबल, जैसे। आपको अनसीबल पढ़ाया है, उसमें मैंने एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन बताई है, वो ऐसे ही एक्सेस होगा, ठीक है ना? आप अपनी दो ओके, मशीन इसी का बनाइए, रिलेटेड अपने था ना आप ऐसे। अपनी दो मशीन बनाइए, इससे रिलेटेड नहीं है वो। आप अपनी दो मशीन बनाइए, एसएसएच इनेबल करिए और आपकी मशीन लॉगिन हो जाएंगी दोनों यूजर्स पे ओके जाके, दोनों यूजर्स पे जाके आपकी मशीन हो जाएंगी। सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये दो मशीन बनाई, सेम वीपीसी से कनेक्टेड है आपकी दोनों मशीन। आप यहाँ पर एसएसएच की सेटिंग इनेबल करो, यहाँ पर भी आप एसएसएच की सेटिंग इनेबल करो। आप इस वाली मशीन पे आके एसएसएच लिख के इस मशीन का आईपी और यूजर नेम डाल के यहाँ पे इंटर करो, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा और ये वाली मशीन आपके सिस्टम पे एक्सेस हो जाएगी। आप चाहते हो कि पासवर्ड ना पूछे तो यहाँ पे एसएसएच की जेन करिए, उस की जेन को पहले कॉपी करिए और फिर डायरेक्ट आप एक्सेस करिए तो भी हो जाएगा। ये लैब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेवऑप्स के अनसीबल के अंदर कराई हुई है। अब अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करो वहां पर। अब गाइस यहाँ पर तीसरा जो पैरामीटर्स हमारा आता है, क्लियर शुभम? तीसरा जो पैरामीटर्स आता है यहाँ पर, यानी यस कि सर। इन दो के बाद तीसरा जो आपके पास आता है गाइस, वो यहाँ पर आपके पास आता है सिस्टम्स यूजर। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर्स आपके पास आता है SYSTEM, सिस्टम यूजर। तो सिस्टम यूजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस सिस्टम यूजर वर्क इन बैकएंड। दिस यूजर क्रिएट ऑटोमेटिकली एंड वर्क इन बैकएंड प्रोसेस। यानी कि आप जब भी कोई भी सिस्टम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ हमारी काफी सारी सर्विसेज भी क्या होती हैं, रन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो ये टास्क मैनेजर पे गया तो आप देखिए आपने जो यहाँ पर चलाया हुआ ये तीन ऐप थे, लेकिन बैकएंड प्रोसेस में भी यहाँ पर इतनी सारे टास्क क्या हो रखे हैं, रन हो रखे हैं। तो इन सभी टास्क को रन करने के लिए भी एक सर्विसेज बनाई गई है, जिनको हम कॉल करते हैं सिस्टम यूजर। उन यूजर्स को हम क्रिएट नहीं करते हैं। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी आपके सिस्टम्स यूजर्स बनाए गए हैं, जो कि आपके क्या है, बैकएंड टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक कि अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, लाइक अ हाउ टू चेक यूजर इंफॉर्मेशन, लाइक हाउ टू चेक यूजर इन्फो। तो अगर आपको किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि वो यूजर्स का क्या अपडेट है, क्या वो यूजर मेरे सिस्टम पे कितने यूजर्स बने हुए हैं, क्या चीज बनी हुई है और उनकी क्या यूजर, तो हाउ टू चेक यूजर इंफॉर्मेशन एंड यूजर आईडी एंड यूजर आईडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआईडी भी बोला जाता है। यूजर आईडी कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म इज यूआईडी। तो गाइस आपके पास क्या है कि आप एक चीज ध्यान रखना कि जिस तरीके से यहां पर स्लैश के अंदर स्लैश होम और स्लैश होम डायरेक्टरी है, इसी तरीके से यहां पर आपके पास एक और डायरेक्टरी होती है जो कि स्लैश के अंदर होती है ईटीसी के नाम से, जिसको हम बोलते हैं स्लैश ईटीसी। यानी कि द ऑल लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, यानी कि अगर आपको लिनक्स के अंदर कुछ भी चीज चेंजेस करनी है, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी फाइल आपकी स्लैश ईटीसी के अंदर मिलेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी क्या काम करती है, द स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी स्टोर ऑल द लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जिस तरीके से आपकी विंडोज के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होती है, उसी तरीके से लिनक्स के अंदर लिनक्स की प्रोग्राम फाइल जो होती है गाइस, वो आपकी होती हैं स्लैश ईटीसी के अंदर। गॉट इट एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर।
यस सर, यहाँ पर क्या है कि अब आपको अगर लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है तो लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या होता है, सॉरी यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का नाम क्या होता है, तो आप हैश पे हो तो सीडी करके स्लैश के अंदर ETC, ये तो वो डायरेक्टरी हो गई जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है, और यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का नाम होता है PASWD। तो लिनक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का नाम है वो क्या है, /etc/PASWD। यानी कि अगर मैं यहां पर आता हूं पर्टिकुलर सिस्टम पे, आया RED red, HAT red एंड CD एंड EXIT exit, रूट यूजर पे आ गया हूँ गाइस दोबारा से, CLEAR क्लियर, और मैंने यहाँ पे लिखा CD/ETC, ETC डायरेक्टरी के अंदर आया, और यहाँ पर मैं LS करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल आ रही है, फाइल्स और डायरेक्टरी आ रही है। तो अब यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, तो मैं यहाँ पे आया CD ना करके मैं यहाँ पे आया CAT PASWD। तो ये मेरी फाइल है PASWD, क्योंकि फाइल को ओपन करने के लिए कैट कमांड का यूज करते हैं और डायरेक्टरी के लिए CD। तो पहले मैं क्या गया, मैं पहले गया कहां पर, ETC के अंदर, और ETC के अंदर जाके मैंने कैट कमांड से क्या डाला, PASWD। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट फाइल पे जाना है कि आप डायरेक्ट फाइल का लोकेशन देखना चाहते हैं और आपको पता है कि भाई ETC के अंदर मेरी फाइल है, गॉट इट, आपकी फाइल का ETC के अंदर है, तो आप कैट का मतलब कंटेंट फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, कौन सी फाइल को, जो कि /ETC के अंदर किस नाम से है, PASWD के नाम से, और ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो गाइस ये आपकी फाइल है, और यहां पर देखिए आप सबसे टॉप पर आपका आ रहा है रूट यूजर, गॉट इट, उसके बाद बिन, डेमन, ADM, LP, सिंक, सेट डाउन, ये सारे के सारे आपके सिस्टम्स यूजर है, ये सारे के सारे क्या है, आपके सिस्टम्स यूजर है। अभी मैंने कुछ यूजर्स बनाए थे, तो आप एंड ऑफ द सेशन, आप एंड ऑफ द सेशन देखिए, तो यहाँ पे देखिए राम, रवि और राज, ये आपके कौन से हैं, और गौतम, ये आपके जो चार यूजर्स हैं ये आपके कौन से यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स हैं, और नॉर्मल यूजर्स में ये जो आपके पास 1000, 1001, 1002, 1003, ये इन यूजर्स की क्या है, UID है, यानी कि यूजर आईडी। एवरीवन इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं कि आपके जो नॉर्मल यूजर्स हैं, तो नॉर्मल यूजर्स हैं और एक आपका होता है सिस्टम यूजर, तो सिस्टम यूजर्स की जो UID रेंज होती है वो आपकी होती है 1 to 999। तो सिस्टम यूजर UID इज 1 to 999, UID इज 1 to 999, यानी कि आपके सिस्टम यूजर्स की UID जो होती है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आप जितने भी सिस्टम यूजर देखेंगे उनकी आईडी 1 to 999 के बीच में, यानी कि यहां पर आप देखिए यहाँ पर जो भी यूजर आपको विजिबल हो रहा है, लाइक है 74, 988, 989, 29, 990, 42, 991, ये सारे के सारे जो हैं ये कौन से हैं आपके, क्या ये मैक्सिमम आपकी वो है आईडी, NFS भी आपका वो है, सर्वर है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, जिसको आप क्लाउड में EFS बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए हर यूजर की आईडी है, तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल यूजर्स की जो आईडीज हैं वो भी क्या करी गई है, सेट करी गई है, और वो जो आईडीज है वो कहां से कहां तक है, दिस आईडी इज अवेलेबल 1 to 999। क्लियर एवरीवन? नॉर्मल यूजर की 1000। एंड अब अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल यूजर्स की, तो गाइस नॉर्मल यूजर्स की जो UIDs हैं, मान से अपना माइक ऑफ करिए, नाउ द नॉर्मल यूजर्स, तो नॉर्मल यूजर्स की जो UIDs हैं इट्स कॉल्ड UID ऑफ नॉर्मल यूजर, तो UID इज नॉर्मल यूजर की जो UID इज 1000 to
60K। 1,000 से 60,000। तो 60K का मतलब है गाइस 60,000, 1,000 टू 60,000 तक के हटा। तो ये आपकी जो UIDs हैं, ये कहां से किसकी हैं? ये आपकी जो UIDs हैं, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल यूजर। ये आपकी नॉर्मल यूजर की हैं और सुपर यूजर की तो जीरो है। तो ये आपकी क्या है? सुपर यूजर हो गया एडमिन, सिस्टम यूजर 1 to 9। तो अगर एक टर्म से बोलूं तो 0 से लेकर 199 तक, सॉरी 999 तक आपकी जो आईडीज हैं वो है रिजर्व। उसके अलावा अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे तो हर यूजर की एक यूजर आईडी जनरेट होती है, और उस यूजर आईडी जो होती है वो आपकी 1,000 से स्टार्ट होगी और 60,000 तक जाएगी। इसके अलावा और भी आईडीज हैं जिनको हम डुप्लीकेट यूजर्स कॉल करते हैं। तो डुप्लीकेट यूजर्स की जो आईडी है वो 60,000 1 से लेके 65,000 तक होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये तीन ही है। तो मेन जो कंसर्न है वो ये आता है कि सुपर यूजर, सिस्टम यूजर्स एंड नॉर्मल यूजर्स। तो ये आपके यूजर्स हैं, लाइक अ रूट यूजर्स क्या होता है, सिस्टम यूजर्स क्या होता है, नॉर्मल यूजर्स कौन से होते हैं, एंड हाउ टू क्रिएट यूजर्स, हाउ टू लॉग इन यूजर, हाउ टू स्विच डायरेक्टरी। आप यूजर्स की डायरेक्टरी को आप किस तरीके से चेंज करोगे, एंड हाउ टू ट्रैक यूजर यूजर लोकेशंस की आपकी जो यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, तो वो यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस पर्टिकुलर लोकेशंस पे आती हैं, तो वो आप यहाँ पर करोगे। सो यहाँ पर मेरे को कैट की जगह कमांड लगानी थी, कैट सीडी की जगह मुझे वी आर यूजिंग अ कैट कमांड। सीडी कमांड चलेगी नहीं यहाँ पे आएगी कैट। नहीं, वो तो आपने एड्रेस के लिए बताई थी ना, वहां जाके एड्रेस कर देते। कोई नहीं, पास डब्ल्यू डी लगा हुआ है ना आगे, इसलिए पास डब्ल्यू डी लगा है तो वो कमांड चलेगी नहीं। फाइल का नाम है ना आखिरी में। यहाँ पे हमेशा लीनियस का कॉल, हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट चीज का आउटपुट वो दिखाएगी हमेशा। जो भी चीज आप लास्ट में लिखोगे उसका आउटपुट शो करेगी, वो पहले का नहीं करेगी। जो भी डायरेक्टरी का नाम है सो डायरेक्टरी के लिए सीडी यूज होगा, लेकिन ये क्या है, फाइल है, तो फाइल सीडी से ओपन नहीं होती है, इसलिए वो इनकम्प्लीट कमांड बता देता, कमांड नॉट फाउंड। इसलिए अगर आप अब कैट लगाओगे तो ये ओपन होगी, क्योंकि फाइल किससे ओपन होती है, कैट से होती है भाई। तो नैनो नहीं, उसके अलावा 100 आइटम्स और भी है आपको, बिल्कुल है, हो जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन है, विम से भी हो जाएगी। बट मेरे को एडिटर नहीं चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ फाइल चाहिए, मुझे फाइल ओपन करनी है। मैंने बोला कि फाइल ओपन कैसे होगी, तो मुझे वो, अब आप बोल रहे हो विम के थ्रू ओपन हो जाएगी तो रॉन्ग है। मैंने किसी को बोला फाइल रीड करनी है, राइट करने के एक्सेस क्यों दूं, तो मैं उसको विम क्यों बताऊं? ठीक है ना, आप YouTube पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, एक ही साथ चार ऑप्शंस आपको बता के रख देंगे। तो एक्चुअली क्या है, नैनो कब यूज करना है, किस कंडीशन में करना है, किस लेवल पे करना है, वो हर चीज का अपने यूज के अकॉर्डिंग है। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका यूजर का पार्ट। यूजर आईडीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, और यूजर क्रिएट कैसे होता है, हाउ टू लॉग इन यूजर्स, एंड टुमारो वी हैव एग्जीक्यूट ग्रुप। तो कल मैं आपको बताऊंगा ग्रुप के बारे में, आज स्टूडेंट्स कम है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, एंड टुमारो आई एम एक्सप्लेन यू द ग्रुप का पार्ट। तो ग्रुप क्या होता है, हाउ टू ऐड यूजर इन अ ग्रुप, ग्रुप को किस तरीके से ऐड करेंगे, और ग्रुप का आता है तो यूजर को यूआईडी होता है, ग्रुप को बोलते हैं जीओआईडी, ग्रुप आईडी, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, अब यहां पर एक चीज देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। सी एल ए आर क्लियर, एंड एस यू हाइफन राज, मैं राज यूजर से लॉग इन हुआ, देन एल एस, यहाँ पर आपकी एक दिल्ली फाइल है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगता हूँ एल एस स्पेस हाइफन एल। तो क्या देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा एल एस स्पेस हाइफन एल लिखा, तो यहाँ पर देखिए राज और राज लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको आईडी नहीं दिख रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है राज राज, यानी कि ये आपकी जी आई डी और ये आपकी यू आई डी है। सो यहाँ पर यूजर की आई डी ना देखे, उसने यूजर्स का नाम दे दिया कि ये जो फाइल है किसके थ्रू है, राज के थ्रू एग्जीक्यूट हुई है। सो सेम है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक एग्जिट एंड लाइक
ls space hyphen l slash home slash raj। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर से, तो ये देखिए, ये यहां पर मैंने डायरेक्ट पाथ करा और यहां पर मैंने क्या करा, रूट यूजर पे गया, तो यहां पर मैंने उसका एक्यूरेट पाथ दिया कि मैं किस डायरेक्टरी के बारे में देखना चाहता हूं। अगर मैं इसी चीज को अगर यहां पे डायरेक्ट कर देता स्लैश रूट, तो मैं रूट यूजर की डायरेक्टरी से, यहां पे देखिए रूट यूजर लिखा आ रहा है पूरा का पूरा। और अगर याद हो आपको कि मैंने आपको एक कमांड बताई थी लाइक ls space hyphen i, तो ls space hyphen i लाइक अगर मैं यहां पे लिखता हूं लाइक ls space hyphen i, तो यहां पर क्या है कि हर फाइल्स की आई से हिडन फाइल्स कहां दिखा रहा है, नहीं नहीं ये hyphen i से होगा, इट शो द ऑल फाइल्स आईडीज नंबर, तो आईडीज नंबर आई नहीं है, एक मिनट डायरेक्ट पाथ पे चलते हैं, स्लैश रूट कैपिटल आई है स्मॉल आई है, ls space hyphen i slash root। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, हर फाइल की मेरे को आईडीज भी दिखा दी, कहाँ दिखा रहा है नीचे डेली फाइल आता रहा, नीचे ls i होम राज के नीचे आओ थोड़ा सा नीचे, ये रही ना नोएडा फाइल, नोएडा फाइल नहीं आपने राज यूजर की लगाई थी ना नीचे, एक मिनट ये तो रही नीचे, हाँ ये उसके ऊपर जो ये कमांड है, ये अच्छा सॉरी ये आ गए, ये तो रही, तो ये इसकी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर किसी भी फाइल की आईडी देखनी है व्हाटएवर जो भी देखनी है आप वो कलेक्ट कर सकते हो अपना। तो जो स्टार्टिंग की कमांड चलाई थी वो सारी कमांड सब मिक्सअप होके यहाँ पर चलेगी। ओके एवरीवन, सो होप सो गाइस यू अंडरस्टैंड द यूजर पार्ट लाइक नॉर्मल यूजर्स सुपर यूजर्स एंड रूट यूजर्स क्या होते हैं एंड हाउ टू क्रिएट यूजर हाउ टू सेट पासवर्ड एंड हाउ टू लॉग इन विद यूजर्स and how to login with directory and how to check user IDs and user configuration files. So these all is clear everyone? Guys, please yes, reply, sir. Is it clear? Yes sir, clear. Yes sir. Chale, guys, thank you, please like and share. Itna enough hai aaj ke liye. Yes sir.